1.8 का एक्सरसाइज पेज नंबर 186 का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, 4, 5, 6 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है, फोर में है मीन वैल्यू थ्योरम एफ एक्स। तो गिवन फंक्शन कितना दिया हुआ है हमको, फंक्शन दिया हुआ है फोर में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इंटरवल दिया हुआ है ए बी, वेयर ए इक्वल टू कितना ऑन ए बी, ए कितना, ए का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू 4, मतलब 1 से 4 में हमको दिया हुआ है ये इंटरवल में, ठीक है। इसको हम बोलता है कि इसको क्या करो, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, हमको मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, नंबर वन पहला काम हमारा एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना, सो इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। कहाँ है ये हम जानते हैं ना कि हर जगह कॉन्टिन्यूस, सो इज कॉन्टिन्यूस, जब हर जगह कॉन्टिन्यूस है तो ये 1, 4 पर भी कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल में, पक्का। चलो नंबर दो एफ डैश एक्स हम लोग निकाल के देख लेते हैं कितना आता है, तो ये हो जाएगा 2x-4 × 1 - 0, तो इसका हो गया, ये लगाया हमने पावर फॉर्मूला 2x-4, ये हो गया हमका इसका डेरिवेटिव। सो हम बोलेंगे एफ एक्स इज़ डिफरेंशियबल, ये हर जगह डिफरेंशियबल है, इसका मतलब ये इन कहाँ 1, 4 ओपन इंटरवल में भी क्या है, डिफरेंशियबल है। तो पहला कंडीशन कॉन्टिन्यूस है क्लोज में, ये दूसरा कंडीशन डिफरेंशियबल है कहाँ, ओपन में। तीसरा चूंकि LMVT है तो एफ ए एफ बी के बराबर नहीं होगा, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एफ वन निकाल के देखो, रखो 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 - 3, हमको ये कितना मिलेगा 1, है ना, 4 × 3 = 7, 1 से 7 गया -6, पक्का, 4 × 4 = 7, 7 - 1 - 6। और हम एंड हम लोग क्या निकालेंगे, एफ फोर निकाल के देखते, तो 4 का स्क्वायर - 4 × 4 - 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 - 16 - 3 16 16 खत्म, बचा कितना -3। क्लियरली हमको दिख रहा है कि एफ ए जो है वो एफ बी के बराबर नहीं है, बराबर है क्या ये, और ये बराबर नहीं है। तो ऑल थ्री कंडीशंस हम लिखेंगे, 10 लिखेंगे 10 10, ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ LMVT क्या, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है ना, आर सेटिस्फाइड, मतलब तीनों कंडीशन इसका सेटिस्फाई हो गया। सो हम लिखेंगे, सो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू कहाँ, यही 1 से 4 में बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल में, सच दैट किस तरह से, FC = FB - FA / BA, क्लियर है। चलिए जी अब हम लोग बात करते हैं एफ डैश, इसका मतलब हमको C का मान 1 से 4 के बीच में मिलेगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा, नहीं तो वेरीफाई नहीं होगा। एफ डैश एस कितना है, इसको हम लोग वन मान लेते हैं, तो एफ डैश एक्स कितना है, 2x - 4, एफ डैश सी कितना होगा 2c - 4, तो ये हो जाएगा यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं तो ये होगा 2c - 4, क्यों, एफ डैश सी बराबर, ये माइनस है, बराबर एफ बी कितना, एफ फोर, तो एफ फोर माइनस एफ वन बटे में 4 - 1, तो 2c - 4 = F4 कितना आया, F4 ये रहा -3 आया, -F1 कितना आया -6 आया, अपॉन में 4 से गया कितना 3, तो 2c - 4 = हम यहाँ इसको इम्प्लाइज करेंगे तो 6 से 3 गया 3 बटे 3, ये कैंसिल हो गया 1 हो गया, तो 2c - 4 = 1, तो 2c = कितना हो जाएगा 5, इस पार आके 5 हो जाएगा इम्प्लाइज, और यहाँ से इम्प्लाई करेंगे तो
तो सी का वैल्यू हो जाएगा 5/2, मतलब ढाई, 2.5। तो क्या 2.5 1 से 4 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। तो हम लिखें क्लियरली 2.5 कहाँ बिलोंग कर रहा है? बिलोंग्स टू 1 से 4, बिलोंग नहीं कर रहा है, ढाई 1 से 4 के बीच में नहीं आता। हैंस हम लिखेंगे हैंस एलएमबीटी इज़ वेरीफाइड, एलएमबीटी इज़ वेरीफाइड। कहानी पकड़ में आ गई? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपको समझ में बात आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में। नंबर हम लोग बात करेंगे फिफ्थ में क्या बोल रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। एफएक्स दिया हुआ है, तो गिवन एफएक्स कितना है हमको? एफएक्स हमको दिया हुआ है 5 में x³ - 5x² - 3x, और इंटरवल दिया हुआ है ऑन 1-3, हम सब 1 से 3 में दिया हुआ है। फाइंड सी बिलोंग्स टू 1-3 विच इज़ f(c) बराबर 0। ये इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, सेकेंड पार्ट भी है, तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट पूरा कर लेते हैं। चलिए हमको इसको वेरीफाई करते हैं। नंबर 1, fx बीइंग अ इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, एवरीवेयर इम्प्लाइज एफएक्स इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन 1-3 क्लोज इंटरवल। मतलब जब हर जगह कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूस होगा। पहला ख़त्म हो गया, दूसरे के बारे में बात करते हैं। f(x) निकालते हैं हम लोग, कितना होगा 3x² इसको माइनस 2, तो 5 × 2 = 10x माइनस 3 होगा नहीं, तो ये होगा इसका, हम इसको 1 मान लेते हैं, ये इसका डेरिवेटिव हो गया इसको, है ना। सो हम लिखेंगे एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1-3, तो यहाँ ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है, हम लोग f1 निकालेंगे तो f1 कितना हो जाएगा 1³ यहाँ रखेंगे माइनस 5 × 1² माइनस 3 × 1 सॉल्व करेंगे 1 - 5 - 3 तो 1 + 5 = 8 से गया माइनस 7 हो गया। अब हम लोग f3 निकाल लेंगे एंड f3 कितना निकालेंगे तो 3³ हो जाएगा माइनस 5 × 3² हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 × 3 हो जाएगा तो 27 हो गया, माइनस 3 × 9 = 5 कितना 45 हो गया, माइनस 3 × 3 = 9 हो गया, ठीक है, तो 27 - 9 = 5 = 4 = 1 54 तो 27 × 2 = 54 तो -27। तो क्लियरली ये दिख रहा है हमको, क्लियरली स्पष्ट रूप से f1 इक्वल नहीं है f3 के, है ही, ये -27 ये -7 ये दोनों बार, तो इसका मतलब तीनों जो इसका एलएमबीटी का जो तीनों कंडीशन है ये सब हमें क्या लिखेंगे, ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ एलएमबीटी आर सेटिस्फाइड तीनों का। सो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग कर रहा है 1-3 ओपन इंटरवल में, सच दैट इस प्रकार बिलोंग करता है, सच दैट f'c इक्वल टू कितना होता है fp - fa / b - a होता है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा इम्प्लाइज f'c कितना हो जाएगा बाबू, f'c रखेंगे तो 3c² - 10c - 3 इक्वल टू fb कितना f3 - f1 चूँकि 1 है वो f1 बटे में 3 - 1 इसको सॉल्व करेंगे इम्प्लाइज 3c² - 10c - 3 इक्वल टू f3 का वैल्यू कितना आया है -27 तो -27 माइनस f1 का वैल्यू कितना -7 तो ये हो गया -7 बटे में कितना 3 से गया 2 इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3c² - 10c - 3 इक्वल टू +7 -20 तो -20 - 20/2 कैंसिल होगा तो होगा -10 क्लियर, तो ये हो जाएगा 3c² - 10c - 3 इक्वल टू -10 नहीं होगा।
यहाँ सात तो कितना 20 बजेगा, तो 20 से दो कटेगा, कित 20 को दो से का अगर हम काटेंगे 20 को तो कितना 10 बजेगा ना। चलिए इतना हो गया, अब तो इसको हम लोग रब कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना है 3c स्क्वायर माइनस 10c, 10 स्पार आएगा तो प्लस हो जाएगा 7 इक्वल टू 0, नहीं होगा 10 स्पार आएगा ना तो हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, c बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। अब आप जानते हैं ये वाला फार्मूला, तो माइनस बी कितना माइनस 10 माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डी कितना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन कितना 2a, a कितना 3, सॉल्व करो 10 हो जाएगा प्लस माइनस, तो बी स्क्वायर कितना b कितना यहाँ तो माइनस दस का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी फोर इंटू ए कितना 3 गुना कितना 7 अपॉन कितना 6, सॉल्व करो तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 100 माइनस चलते बरसाते 84 है ना अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा 84 जाएगा, तो 84 कितना बचा 16 है ना 16 अपॉन में कितना 6, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 4 अपॉन में 6, तो इसमें इसका वैल्यू हमको कितना मिलेगा 10 4 14 बटे 6, तो 14 बटे 6 या क्या मिलेगा 10 से 4 गया 6 बटे 6, नहीं इसका मतलब हुआ सी का वैल्यू कितना मिलेगा 14 तो 7 बटे 3 या 1 मिलेगा, तो हमको सी का वैल्यू 7 बटे 3 या 1 मिला। अब हमको देखना है कि कौन सा वैल्यू 1 से 3 के बीच में आता है, 1 से 3 के बीच में तो 1 ये तो आएगा नहीं, और 7 बटे 3 है ना ये आएगा 7 बटे 3, इसको डिवाइड करेंगे ना, इसको डिवाइड करें तो 3 6 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको, अब इसको मिटा देते हैं, हम यहाँ लिखेंगे इसके बाद है ना हेयर सी इक्वल टू 7/3 बिलोंग्स टू 1 से 3, क्यों ये 1 से 3 में बिलोंग नहीं करता है क्या, 7/3 इसको भाग दे 2 पॉइंट समथिंग होगा तो बिलोंग करता है, क्लियर एकदम सही है ये यहाँ बिलोंग करता है, हेंस LMVT इज वेरीफाइड, मतलब LMVT क्या हो गया सत्यापित हो गया, क्योंकि जो सी का मान है वो इसके बीच में हमको क्या मिल रहा है, हो गया काम। लेकिन इसका सेकेंड पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी बोल रहा, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है सर, सेकेंड पार्ट बोल रहा है फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू इतना वेर एफ डैश इज 0। अब ये दूसरा सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट बोल रहा है क्या, सेकेंड पार्ट कर रहा है सी फॉर सी बिलोंग्स टू 1 3, सी 1 से 3 में बिलोंग कर रहा है एंड एफ डैश सी 0 बोल रहा है, एफ डैश सी क्या बोल रहा है 0 बोल रहा है, तब बोलता है ना फाइंड ऑल सी, बोलता पूरे सी का वैल्यू निकालो, तो बहुत अच्छी बात है, चूंकि हमको दिया हुआ है ना एफ डैश सी बराबर 0, तो एफ डैश सी कितना था, हमने इसका डैश निकाला था, हमने यहाँ मिटा दिया, एफ डैश सी कितना था 3c² - 10c - 3, ये 0 ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर इम्प्लाइज, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो सी बराबर कितना होगा, हम लोग निकाल लेते हैं, सी बराबर होगा -b, तो -b प्लस माइनस रूट डी, तो बी स्क्वायर माइनस 4a - 3 अपॉन 2a, 2 × 3, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, इम्प्लाइज सी बराबर -10, तो माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है, प्लस माइनस 100 और 4 12 36 प्लस 36, क्यों
ये 100 हुआ ना, 4 + 12 = 36 अपॉन कितना 3 × 6, तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा सर, हमको मिलेगा 10 + -136 136 अपॉन कितना 6 हो गया। हमको जो भी यहाँ से वैल्यू मिलेगा हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमको दो वैल्यू मिलेगा हमको 136 का जो भी हमको मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि इस केस में जब f'c 0 होगा इस केस में हमको c का मान 2 मिलेगा। आप 2 यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे जितना भी होगा, ठीक है ना। सो c का जो मान होगा 10 + -136 / 6 है ना, तो मतलब c का वैल्यू हमको मिल गया 10 + 136 √6 और 10 - 136 √6। हमको दो वैल्यू इसका मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 ये फाइनल है। क्या बोल रहा है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन अबव एक्सरसाइज 2। ये जो यहाँ दिया हुआ है यहाँ हमको क्या चेक करने के लिए बोल रहा है, LMVT। सर LMVT में तो पहला कंडीशन लागू नहीं होगा, यहाँ दूसरे वाले में गिन फंक्शन है, ग्रेटेस्ट यूनिटर फंक्शन है, यहाँ भी लागू नहीं होगा, तो यहाँ हम चेक करके देख लेंगे, ठीक है ना। इसमें 3 में तो यह 6 बोल रहा है कि 6 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है उसमें LMVT को क्या करना है ना, वेरीफाई अप्लीकेबिलिटी चेक करना है। क्या चेक करना है, अप्लीकेबिलिटी। तुम ध्यान से समझो, कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ जो दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ इसी के बारे में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इस 2 में चेक करो, 2 में 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 को तीनों को है ना क्वेश्चन में क्या चेक करना है, LMVT को चेक करना है, इसके अप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो पहला में हम लोग चेक कर लेते हैं, हमको गिंट फंक्शन दिया हुआ है, गिंट दिया हुआ है ऑन कहाँ 5 से 9। सर एक बात बताइए कि जो अभी हमने बोला कि गिंट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इंटीग्रल पर 5 और 9 पे कंटिन्यूअस नहीं है। जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो LMVT का पहला जो नियम है, 3 नियम में से पहला जो कंडीशन है वो फेल हो जाता है। तो जब फेल हो जाता है तो यहाँ LMVT अप्लीकेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, चूँकि हम लिखेंगे कि ये जो फंक्शन fx ये यहाँ से यहाँ में हम लिखेंगे fx इज़ नॉट कंटिन्यूअस ऑन 5 to 9। जब ये कंटिन्यूअस ही नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि LMVT का जो पहला नियम है वो फेल हो जाता है। तो LMVT इज़ नॉट एप्लीकेबल मतलब अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलो ये तो पहला ख़त्म हो गया। अब दूसरा में भी यही fx बराबर जो है कंडीशन, ये जो दूसरा तुमको दिया हुआ है ये भी हमको वही दिया हुआ है, गिंट फंक्शन ग्रेटेस्ट नेचर फंक्शन कहाँ दिया हुआ है, ये हमको -2 से 2 में दिया हुआ है। तो यहाँ भी तो वही हाल है ना सर, यहाँ भी -2 और 2 में क्या होगा, ये कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे fx इज़ नॉट कंटिन्यूअस ऑन -2 से 2। जब ये -2 से 2 में कंटिन्यूस ही नहीं है सो LMVT इज़ नॉट एप्लीकेबल। LMVT जो है वो अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इन दोनों में अब छठा क्वेश्चन बोल रहा है 2 के बारे में, तो 2 में दो क्वेश्चनों में इन दो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको LMVT चेक करना है। तो पहला में मैंने चेक कर लिया अप्लीकेबल नहीं है, दूसरा में चेक कर लिया यहाँ भी अप्लीकेबल नहीं है। अब हम तीसरा में चेक करके देख लेते हैं। इसका तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट में हम लोग LMVT चेक करते हैं। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, fx हमको दिया हुआ है x²-1 और x कहाँ बिलोंग कर रहा है 1 से 2 में। यहाँ हम लोग करके देखते हैं। नंबर 1 पहला कंडीशन fx बीइंग मन है बीइंग अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल fx, ये fx है फंक्शन बीइंग अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज़ कंटिन्यूअस। चूँकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो कंटिन्यूअस है, हर जगह कंटिन्यूअस है, सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर लिख दो एवरीवेयर, सो इट इज़ कंटिन्यूअस, सो इट इज़
कॉन्टिन्यूअस ऑन वन से टू। पहला कंडीशन तो भी संतुष्ट हो गया कि कंटिन्यूअस है। दूसरा कंडीशन, इसका डैश निकालते हम लोग, क्या इसका डैश निकलेगा, हाँ 2x माइनस जीरो अर्थात 2x। सो हम क्या बोलेंगे, fx इज डिफरेंशिएबल, क्या है ये डिफरेंशिएबल इन कहाँ, वन से टू ओपन में। दूसरा कंडीशन भी हो गया। तीसरा कंडीशन हम f1 निकाल के देखते हैं, f1 निकल तो वन स्क्वायर माइनस वन जीरो। हम लोग f2 निकाल के देखते हैं, f2 तो दो का स्क्वायर माइनस वन, चार माइनस वन तीन। क्लियरली हमको दिख रहा है कि f1 जो है वो f2 के बराबर नहीं है। अब देखिए, अब सारे के सारे कंडीशंस, मतलब ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ LMVT आर सेटिस्फाइड, मतलब तीनों कंडीशन जो ये ऑल है, ऑल थ्री कंडीशंस, पहला दूसरा तीसरा, सारे के सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू कहाँ, वन से टू में बिलोंग करेगा। सच दैट किस पर, क्यों बिलोंग करेगा, इस प्रकार बिलोंग करेगा कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये माइनस है। तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा सर, एफ डैश सी, एफ डैश कहाँ, एफ डैश यहाँ 2x, तो ये जगह 2c इक्वल टू एफ बी कितना, एफ टू, एफ टू माइनस एफ वन, ए बराबर वन है, एफ वन बटे में टू माइनस वन, ये 2c इम्प्लाइज करेंगे। एफ टू, एफ टू का वैल्यू कितना आया, एफ टू का वैल्यू आ गया 3 माइनस एफ वन का वैल्यू कितना आया 0 बाई 2 से गया 1, तो यहाँ से हमको कितना मिल गया 2c बराबर 3, तो c बराबर कितना 3/2, 3/2 का मतलब कितना सर डेढ़। तो क्या डेढ़ 1 से 2 के बीच में नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे चूँकि 3/2 बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, 1 से 2 में बिलोंग नहीं कर रहा, 1 से 2 में। सो LMVT इज, या हेंस लिखेंगे सबसे पहले, हेंस LMVT इज क्या, वेरीफाइड। बताए LMVT क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो चलिए, आपका 5.8 भी हमारा ख़त्म हो गया। अब रह गया मिसलिनस, वो हम अगले वीडियो में करेंगे।